हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं मी स्मार्ट स्पीकर के बारे में, और इसका अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं, और इसके साथ साथ यहां पे इसका फर्स्ट इंप्रेशन और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल में मैं आगे वीडियो में बात करता हूं। इससे पहले आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। तो यहाँ पे मी स्मार्ट स्पीकर का अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले इस बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में मी स्मार्ट स्पीकर की इमेज देखने को मिल जाएगी। इसके साइड वाले पार्ट में ओके गूगल का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पे आपको ये स्पीकर के अंदर गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको इसके कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं उसके बारे में मैं अभी ब्रीफली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पावरफुल साउंड दिया गया हुआ है, हाईफाई ऑडियो प्रोसेसर मिलने वाला है, DTS प्रोफेशनल ट्यूनिंग है, प्ले एंड कंट्रोल म्यूजिक मीडिया को आप यहाँ पे स्पीकर के साथ ही कंट्रोल कर सकते हो, और इस स्पीकर के अंदर आप अपने अलार्म है, किसी भी टाइप का टाइमर्स है, और इसके अलावा रिमाइंडर्स को भी आप यहाँ पे आसानी से सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपने पूरे दिन की किसी भी टाइप का प्लानिंग है वो भी आप यहाँ पे मी स्पीकर के साथ सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके होम है या फिर आपके घर के अंदर किसी भी टाइप के स्मार्ट डिवाइसेस है तो आप इस स्पीकर को उसके साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं, और इसके अंदर से कौन कौन से कंटेंट मिलने वाले उसके बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे हर एक डब्बे के अंदर जो मिलता है, पहले तो इसकी यूजर मैनुअल वो आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ यहाँ पे जो इसका पैकिंग है वो दोस्तों काफी अच्छी तरीके का पैकिंग आपको यहाँ पे इस स्मार्ट स्पीकर के साथ मिलने वाला है। और इसके साथ आपको ये रहा हमारा मेन स्मार्ट स्पीकर, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ केबल, मतलब कि देखते हैं अब इस बॉक्स के अंदर कौन से तरीके का केबल यहाँ पे मिलता है। ओ, यहाँ पे आपको एडेप्टर दिया गया हुआ है, मतलब कि ये जो स्मार्ट स्पीकर है वो आप इस एडेप्टर के बिना नहीं यूज़ कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपको पोर्टेबल बैटरी देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो स्मार्ट स्पीकर है वो पोर्टेबल स्पीकर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस केबल का यूज़ करके ही इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आते हैं हमारे मेन स्पीकर के बारे में, जल्दी से इस रैप को हम अनरैप करते हैं, और इसके अंदर से हमारे जो स्पीकर है वो किस टाइप का आपको यहाँ पे मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्पीकर है वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से इसका जो वेट है वो 800 टू 900 ग्राम के आसपास रहना चाहिए, और इसकी जो बिल्ट एंड क्वालिटी है गाइस काफ़ी हद तक अच्छी आपको यहाँ पे बिल्ट एंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और कंपनी का दावा है कि यहाँ पे आपको 10,531 साउंड होल्स आपको यहाँ पे इसके फ्रंट वाले पार्ट में देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे इसकी किसी भी टाइप की बिल बैटरी नहीं दी गई हुई। इसको मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको ये एडेप्टर के साथ मैंने जो पहले बताया उसी तरीके के इसका यूज़ करना होगा। यहाँ पे इसके टॉप वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के बटन देखने को मिल जाएंगे, जो टच सेंसिटिव बटन्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हो, म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, और अगर आपको सिक्योरिटी की डर है, मतलब कि आप यहाँ पे इस स्मार्ट स्पीकर को अपने होम या ऑफिस पे रखते हो तो आपकी जो बात है वो गूगल अपने तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन दिया गया, मतलब कि यहाँ जहाँ से माइक्रोफोन ऑन ऑफ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से ये स्मार्ट स्पीकर को हम एडेप्टर के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन करते हैं, और इसके बाद इसकी देखते हैं ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पे किस टाइप की मिलने वाली है। तो गाइस ये स्मार्ट स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए पहले तो अपने स्मार्टफोन के अंदर आपको गूगल होम की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी, वहां से इसको डाउनलोड करना है, और इसके बाद ये दोनों को कनेक्ट करके जो इसको कनेक्ट करने का जो स्टेप है वो सिंपल स्टेप में आप ये दोनों को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, और इसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम लगता है, मतलब कि शाओमी कंपनी है, मतलब कि आप सबको होगा कि चाइना की कंपनी है तो भी यहाँ पे अपने सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन ये स्मार्ट स्पीकर का जो आप यूज़ करने वाले हो गूगल होम के थ्रू यूज़ करने वालों, इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपके डेटा का किसी भी टाइप का कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। तो गाइस जल्दी से इस स्मार्ट स्पीकर का हम ऑडियो टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको किस टाइप की साउंड मिलने वाली है। ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक। Come on for the top.
तो चलिए जरा सा हम गूगल असिस्टेंट का यूज करके अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस टाइप का यहाँ पे आपका वॉइस असिस्टेंट यूज होने वाला है। ओके गूगल, टेल मी अबाउट माई डे। गुड आफ्टरनून, द टाइम इज 3:37 PM राइट नाउ इन सूरत इट्स 34 डिग्रीज एंड पार्टली क्लाउडी। ओके गूगल, डू आई नीड एन अम्ब्रेला टुडे? नो, इट्स नॉट प्रेडिक्टेड टू रेन इन सूरत टुडे। तो गाइस यहां पे आपको जो मैंने अभी ऑडियो टेस्ट करके दिखाया, यहां पे आपको जो इसकी ट्रबल है और इसके बेस क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छे तरीके की देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इसका वॉइस असिस्टेंट है वो भी काफी अच्छे तरीके वर्क करता है, और यहाँ पे आपको इसको हिंदी में भी यहाँ पे आप इस स्मार्ट स्पीकर को यूज़ कर सकते हो। आप हिंदी में अगर बोलते हो तो भी गूगल असिस्टेंट उसका आपको सही आंसर देने की कोशिश करने वाला है। और गाइस यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन या इसके अंदर 4.2 ब्लूटूथ वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर जो वाईफाई है वो आपको 2.4 GHz और 5 GHz का भी वाईफाई आपको यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इसकी प्राइस रेंज के बारे में बात करो तो आपको 3,500 रुपीज में ये जो स्मार्ट स्पीकर मिलने वाला है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्ट स्पीकर अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पे इसकी जो प्राइस रेंज है वो 3,500 रुपीज रखी गई हुई है, लेकिन इसके मुताबिक आपको काफी अच्छी क्वालिटी वाला स्मार्ट स्पीकर मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बिल्ट इन बैटरी मतलब कि यहाँ पे पोर्टेबल टाइप का ये स्मार्ट स्पीकर बनाया होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी Xiaomi की तरफ से पहला स्मार्ट स्पीकर अभी इसने बनाया है, तो अगले कई सारे अच्छे अच्छे स्मार्ट स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस बस आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं कुछ एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे।